जी वेलकम बैक। सॉरी क्लास, पावर सप्लाई ना ऑफ होने की वजह से वो सिस्टम ऑफ हो गया था, हम डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, हमने देखा कि गुनेश की ब्रांड की 629 टोटल्स जो है ना, टोटल प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अब हम आए अपनी उस शीट के ऊपर जो हमने डाउनलोड किया हुआ था, और एक नया कॉलम हमने बनाया था टोटल प्रोडक्ट्स का, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 629। इस ब्रांड की टोटल प्रोडक्ट जो अमेजोन पे सेल हो रही है वो 629 है। अच्छा, अब हम दोबारा से कैटेगरी के कॉलम में आए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट और किया, एक कॉलम हमने यहाँ पे और बना लिया टोटल प्रोडक्ट्स के साथ, और ये हमारा कॉलम बनेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया PROT, ठीक यार है। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स, कि ये तो टोटल प्रोडक्ट्स है ना इस ब्रांड की, गुनेश की, तो इसमें से हमारी क्राइटेरिया को मीट करती हुई प्रोडक्ट्स कितनी है, ठीक है। उसके लिए अब हम दोबारा जाते हैं अपने ब्लैक बॉक्स पे, हमने वो फिल्टर अप्लाई किए हुए थे, अब हमें एक बार से दोबारा अप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि हम डीसी हो गए थे। अच्छा जी, इसको सर्च करवाते हैं। अच्छा, फिल्टर हम लगाते हैं इसको, होम एंड किचन की कैटेगरी थी हमारी, ये आ गई होम एंड किचन, इसको अप्लाई किया। अच्छा जी, देन हम ये 200 प्रोडक्ट्स आ गए, अब हम अपने फिल्टर अप्लाई किए, रिव्यू काउंट हमारा था मिनिमम 200, तरह था आपके एक बार रिपीट भी हो जाएगा। रेटिंग थी हमारी 4.2, मिनिमम 4.2। अच्छा जी, बेस्ट सेलर रैंक था हमारा मिनिमम 1, मैक्सिमम 60,000। अच्छा जी, शिपिंग साइजर हमारा ऑल था, शिपिंग साइजर ऑल हो गया, और वेट हमारा था मैक्सिमम में 3.3, ठीक है। अच्छा जी, फुलफिलमेंट बाय हमने किया सर था। जी, सर आवाज और वीडियो आपके आगे पीछे है ये थोड़ा फर्क है, पहले आपकी आवाज आती है, वीडियो बाद में शो होती है। मैं अच्छा, आप ही को ऐसे हो रहा है कि सारों को ऐसे हो रहा है, ये जरा बताएं। ठीक है सर, ठीक है, मेरा कोई और सर भी मेरे मेरे पास फिर ठीक आपकी इधर तरफ ठीक है। नेट का इशू है इसलिए ऐसे आ रहा है, जहां पे नेट स्लो हो वहां पे ये वाला इशू बन जाता है। डोंट वरी, जब नेट ठीक आपके होगा तो आ जाएगा, हम रिकॉर्डिंग भी सेंड करेंगे, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने फुलफिलमेंट बाय ऑल कर लिया हमने। अच्छा जी, नंबर ऑफ इमेज को स्किप करें, वेरिएशन हमने 1 मिनिमम में और मैक्सिमम में 4 किया। टाइटल कीवर्ड को छोड़ दें, एक्सक्लूड टाइटल को छोड़ दें, लिस्टिंग को छोड़ें, कंपिटिटर को भी छोड़ दें, नंबर ऑफ सेलर ये देखें, यहाँ हमने मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 25, ओके। देन आप इसको भी स्किप करें, सेल्स यहाँ पे प्राइस हमारी आ जाएगी मिनिमम 8 और मैक्सिमम हमने की थी 50, ओके। प्राइस चेंज ये ठीक है, ये ओके हो गया, सही है। यहाँ हम इसको कर लेते हैं 500, के मिनिमम 500 तो यूनिट सेल हो ना उनकी। अच्छा जी, अब हम इसको, ये था हमारा वो फिल्टर जिसमें हमने अप्लाई करके तो तकरीबन राउंड अबाउट 90 के करीब वो प्रोडक्ट्स निकली थी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो ब्रांड है हमारा, जिस ब्रांड की टोटल प्रोडक्ट्स आई है हमारे पास, ये था ये वाला, इसको हम हमने यहाँ ओपन किया हुआ ये ब्रांड, यहाँ पे ये गुणेश, इसको हम कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके आपने अपने उसी क्राइटेरिया पे आ जाना है, अपने क्राइटेरिया को नहीं छेड़ना जो लगाया हुआ था, उसी क्राइटेरिया के अब हमने यहाँ पे तलाश करना है। ठीक है, ऊपर चले, टाइटल कीवर्ड, ये टाइटल कीवर्ड में आपने ये ब्रांड पेस्ट कर देना है, ठीक है।
क्लास अच्छी तरह से समझ लें सब स्टूडेंट, सारा क्राइटेरिया वही रहने देना है, सिर्फ टाइटल कीवर्ड, कीवर्ड का जो टाइटल आ रहा है उसमें आपने अपने ब्रांड का नेम पेस्ट कर देना है। ओके अंडरस्टैंड, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को है तो मुझे बताए, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। सर ये फिल्टर जो है हम हर दफा चेंज करेंगे या ऐसे ही? नो, फिल्टर आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, ये चेंज इसलिए करना पड़ रहा है, या ये मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सेम वही क्राइटेरिया दोबारा लगाया है हम, क्योंकि सिस्टम बंद हो गया था। आपने तो वही किया ना, मतलब हम ब्रांड अगर जी जी सिस्टम बंद हो गया था लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा या? नो, आपने सारा क्राइटेरिया वही रहने देना है हर ब्रांड की बात। देखिए अब आपने गणेश लगाया, सिर्फ आपने यहाँ पे आके अपना ब्रांड चेंज आपका होगा, क्राइटेरिया वही रहेगा। जी जी चलो ठीक, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, ठहरे इसको पहले मैं सर्च करवा लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको अब हमने अप्लाई फिल्टर किया तो उसने हमें बताया कि इस तरह की सिर्फ एक आइटम है ब्रांड की आपके इस क्राइटेरिया को मीट करती हुई, और वो ये है। हमें ब्लैक बॉक्स नैरो डाउन कर रहा है कि आपके इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक आइटम है सिर्फ। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी शीट पे, ये जो हमने क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स कॉलम बनाया है यहाँ पे हम लिखते हैं 1, हम 01 यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या हमें पता चला कि गणेश की 629 प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल हो रही हैं, लेकिन हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हुए सिर्फ एक प्रोडक्ट है इस ब्रांड की। अब नेक्स्ट ब्रांड है इनविरो केयर, इसका आपने ना जिस तरह मैंने एसन मेन अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है ना हमारी पहचान, इसी तरह से अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट की पहचान उसका एसन नंबर है। आपने भी इसी तरह से एसन नंबर को कॉपी करके लेके जाइएगा, ओपन कीजिएगा, उसका ब्रांड तलाश कीजिएगा और उस ब्रांड को फिर सर्च करके देख लीजिएगा कि उसकी टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है। टोटल प्रोडक्ट्स आपने इस कॉलम में लिखनी है, फिर उसी ब्रांड को आपने अपने क्राइटेरिया वाले पेज पे ले आना है। यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको लगा लगाया फिल्टर यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपने फिल्टर लगाया हुआ है इस फिल्टर को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ पे टाइटल कीवर्ड में ब्रांड को चेंज करना है। ठीक है, अगली प्रोडक्ट का ब्रांड लगा देना है और उसको अप्लाई करवाना है तो उसकी फिर क्राइटेरिया को मीट करते हुए प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। अंडरस्टैंड, और उनको यहाँ पे नीचे एक कॉलम है ब्रांड वाला भी आई थिंक, वो और चीज है उसकी तरफ ना आप अभी जाएं। ओके सर, जहां मैं आपको समझा रहा हूँ आप वहां पे रहें। आपने जो ये है ना, ये देखें जरा, टाइटल कीवर्ड, इसमें आपने ब्रांड का वो नेम पेस्ट करना है, यहां पे कहीं पे नहीं करना। यहां लिखा हुआ एक्सक्लूड ब्रांड, एक्सट्रैक्ट ब्रांड, यहां पे नहीं करना आपने बिल्कुल भी, तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे आपके। ये और चीज है बेटा, ये आपने स्किप कर देने हैं, इनके साथ कोई काम नहीं है। समझ लगे? ठीक है, यहां तक किसी okay, का क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलें। आपने सिर्फ यहाँ पे ब्रांड चेंज करना है और उसके क्राइटेरिया को मीट करते हुए प्रोडक्ट देख लेनी है, 2 हैं 4 हैं 5 हैं 10 हैं जितने भी आई वो आपने अपने इस कॉलम में फिर आगे मेंशन करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक बॉक्स में जाना है, अपना क्राइटेरिया पुट करना है, पुट करने के बाद एक शीट आपने बनानी है, शीट को आपने CSV करना है, शीट को डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी एक अलहदा शीट के ऊपर, असाइनमेंट वाले शीट पे नहीं, शेड शीट पे नहीं आपने ये काम करना, एक अलहदा शीट के ऊपर आपने इसको सारे को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे जाके, फाइल पे जाके। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, करने के बाद आपने फुलफिलमेंट के बाद और क्राइटेरिया के अंदर दो कॉलम बनाने हैं। मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ लें, मुझे असाइनमेंट इसी तरह से चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ, आगे वाले कॉलमों में जाके नहीं, ये वाले दो कॉलम बना लेने, टाइटल के पास आपने बनाने हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट्स आपने कैसे निकालनी है, अमेजोन पे अपना ब्रांड जाके लिखना है, पहले ब्रांड को तलाश करना है मेरे एसएन में कौन सा ब्रांड है, फिर उस ब्रांड को आपने वहां पे सर्च करके उसकी टोटल प्रोडक्ट्स लेनी है, कहां से लेनी है, ये देखें ये आ रही है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप आ जाएं, ये देखें क्लास जो लेफ्ट कॉर्नर है ना, ये यहाँ पे शो होती हैं,
टोटल प्रोडक्ट्स जितने भी उस ब्रांड की अमेजोन पे सेल हो रही हैं यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ से बचा ऐसे करके कॉपी करके तो आप वहां जाके पेस्ट कर ले, ठीक हो गया। और क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स आपको मैंने बता दिए कि आपने अपने ब्लैक बॉक्स पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वहां पे अपने ब्रांड नेम लिख के तो मेंशन करके निकाल लेनी है। आपको क्वेश्चन किसी का है तो वो मेरे से करें। ये जो सेकंड पे जो आ रही है प्रोडक्ट, एक तो आपने कर दिया ना, मतलब टोटल प्रोडक्ट्स पे वो 629 है और क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स 1 होगी इसकी। तो ये जो क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स है ये सेकंड वाली जो है इसमें स्कोर्स इसमें 2 आ रही है, मतलब कि 2 इसमें वो मैं फिल्टर पे शो कर देता तो मुझे 2 दिख रही है। क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स क्या हो रहा है, क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स की मुझे समझ नहीं लगी थी कि इधर क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स आपको समझ नहीं लगी, ठीक है। मैं बताती हूँ, मैडम बताती हूँ, चले मैडम प्लीज। देखिए मैम बच्चे, आपने ऐसा करना है, यहाँ से ना अब फर्स्ट वाला जो है ना, इससे पहले ये होता था कि ब्रांड जो है वो साथ लिखे हुए होते थे, अब चूंकि यह ब्रांड का ऑप्शन नहीं आ रहा हमने अब इसका ब्रांड सर्च करना है, ये आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़नी है। आपने वहां से शीट पे जाए ना, ये देखें आपने यहाँ से एसएन कॉपी करना है इसका, इसका साथ साथ करते जाएं, इसका एसएन कॉपी करके ना आपने इसको ले जाना है, जैसे देखिए ये सर कर रहे हैं कंट्रोल प्लस सी किया तो इसका एसएन कॉपी हो गया, इसको आप ले गए वहां पे अमेजोन पे, ठीक है। अमेजोन पे जाके ऊपर सर्च बार में यूएसए मार्केट करके आपने इस एसएन को वहां पे पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद जब आप इस एसएन को सर्च करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी खुल जाएगी, ठीक है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट छोड़ने के बाद आप फर्स्ट वन जो होगी वो आपकी प्रोडक्ट होगी, एसएन मैच करने से पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है। हम इस एसएन को वहां से क्यों लेके आए हैं, हमने इसका ब्रांड नेम फाइंड करना है, ये मकसद है हमारा इसको वहां से यहाँ लेके आने का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें वहां पे ब्रांड का नाम नहीं बताया। अच्छा, यहाँ आके हमने अपनी प्रोडक्ट फाइंड की, जैसे सर कर रहे हैं स्पॉन्सर छोड़ते जाए, नीचे देखिए अपना एसएन मैच करके अपनी प्रोडक्ट मैच कर लें और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, ये देखें हमारी प्रोडक्ट जो है खुल गई, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आप क्लिक करें और ये देखें कि इसमें हमारा ब्रांड जो है प्रोडक्ट का कहाँ बताया हुआ है, ये ऊपर की लिस्टिंग के नीचे ही फौरी जो है वो ब्रांड होता है, ये देखें ये इसका ब्रांड नेम है। वैसे मैंने पहले भी मुझे आइडिया हो गया था कि जो वहाँ पे शीट पे जो फर्स्ट वाला वर्ड है ना वो ब्रांड नेम दिए हुए हर प्रोडक्ट के, तो आप देख लीजिएगा ये भी देखें ये वही वाला जो है, ये देखें शीट के ऊपर फर्स्ट वाला भी यही है, इनवायरो है शायद, और वहां हमने देखा है ब्रांड नेम वहां भी है, पहले भी ऐसे था गुणेश या फर्स्ट वाला था, वहां जहाँ पे फर्स्ट वाला जो था जो वो गुणेश ही निकला ब्रांड नेम, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन, हाँ जी, फिर भी कंफर्म कर लेना, आप में जो शार्प है वो तो निकाल लेंगे, लेकिन ये ना होकर देखें आप ये 10 नंबर पे 9 नंबर पे है शार्प डिजिटल अलार्म क्लॉक, तो ये ब्रांड नेम नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम ही है। तो मोस्टली जो है वो ब्रांड नेम स्टार्ट में दिए हुए जी अमेजोन पे चले जी, टाइटल में ब्रांड नेम होता है, आप लोगों में से शार्प जो है वो वहीं से निकाल लेंगे ब्रांड नेम। अच्छा, अब देखें वहां से हमने ब्रांड नेम ले लिया, ब्रांड नेम को हमने ऊपर जाके ना एसएन की जगह पे, हमारा मकसद क्या है कि हम देखें इस ये ब्रांड जो है ये टोटल कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस ब्रांड को ना उस एसएन को डिलीट किया यहाँ से और हमने इस ब्रांड को वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे लेकिन मसला कोई नहीं है, वीडियो के साथ साथ करें, ठीक है। अच्छा, इस ब्रांड को जब हमने सर्च किया तो वो ऊपर टॉप पे आ गया कि 1000 जो है ना रिजल्ट है वो इनवायरो जो आपका ब्रांड है वो 1000 प्रोडक्ट सिस्टम सेल कर रहे हैं। तो हमारी टोटल प्रोडक्ट कितनी निकल गई इस ब्रांड की आप बताएं मुझे अहमद, 1000, ठीक है। हमें कंसर्न है कि हमारे क्राइटेरिया में मीट कितनी कर रही हैं, तो हमने अब क्या करना है, वही वाला उधर ही जाना है ब्लैक बॉक्स में, और ब्लैक बॉक्स में जाके जो सर ने ऑलरेडी क्राइटेरिया दिया हुआ है जिससे हमने ये शीट निकाली है, वहां पे सिर्फ टाइटल कीवर्ड में ब्रांड का नेम लिख देना है, ब्रांड का नेम लिख के हमने उसको फिल्टर कर देना है, तो वो जो रिजल्ट आएंगे जैसे ये देखे सर अब ब्रांड का नेम चेंज कर रहे हैं आपके सामने, गुणेश की जगह हम इनवायरो कर रहे हैं इसको, और इसको फिर हम जब अप्लाई कर देंगे तो अब जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट इसके होंगे, इस ब्रांड की प्रोडक्ट जो हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रही है, कितनी निकली है, 2 निकली है सिर्फ, ठीक है। अब हम वहां पे जो हमने एक कॉलम बनाया हुआ है क्राइटेरिया प्रोडक्ट का, तो ये हमारी 2 निकली है, इसमें से 1000 इसकी टोटल थी और 2 जो है वो हमारी क्राइटेरिया से मीट करती हुई निकली है। अब हमें पता चल गया जी जी जी, जिसकी जितनी निकलेगी उसकी हम उतनी लिखते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने फिर बाद में इस शीट पे बहुत ज्यादा काम करना है, हमें पता होगा कि हमारी प्रोडक्ट जिस पे ज्यादा है हम फिर उसी ब्रांड को लेके चलेंगे, ठीक है ना, बाकियों को जिसकी 1-2 है उसके साथ फिर हमारा क्या कंसर्न होगा। तो अभी ये मतलब है कि ब्रांड की प्रोडक्ट टोटल कैसे निकालते हैं और ब्रांड की प्रोडक्ट क्राइटेरिया से कैसे निकालते हैं, ये आपका आज का वर्क है।
असाइनमेंट असाइनमेंट जो है, अब एक बार फिर समझाएं, क्लास बहुत लेट हो गई आज। अच्छा आप लोगों ने हीलियम पे जाना है, ब्लैक बॉक्स पे जाना है, ब्लैक बॉक्स पे जाके उसमें आपने अपना फिल्टर लगाना, जैसे सर ने लगाया फिल्टर के बाद अप्लाई करके, उसके बाद जो आ जाएंगी प्रोडक्ट्स ऐसी ये शीट पे आ जाएंगी, इसको CSV फाइल में डाउनलोड करके आपने वहाँ पे गूगल पे ले जाना है। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा शीट आपने सर ने आपको बताई है, आपने अपनी असाइनमेंट शीट पे नहीं जाना, आपने अपनी उस वाली शीट पे जाके ये सारी डाउनलोड कर लेनी है, और ये आपकी वो वाली शीट है जो आपने गूगल से दी है, ठीक है। आप जितनी मर्जी वहाँ से अपनी शीट लेते जाएं, ठीक है। उसमें फिर आपने ये टोटल प्रोडक्ट और क्राइटेरिया प्रोडक्ट निकालनी है, और सर सर ब्रांड का नेम तो नहीं लिखा इन्होंने निकाल के, ब्रांड नेम का भी एक कॉलम बना ले, चले ठीक है, लेकिन आसानी हो जानी थी। एक कॉलम जरूरी है क्योंकि ब्रांड को फिर मेल करनी है। जी क्लास आप यहाँ पे एक कॉलम फर्स्ट पे आप इंसर्ट कॉलम राइट लेफ्ट करके ना यहाँ ब्रांड लिखें, ब्रांड ब्रांड नेम आपने यहाँ साथ साथ लिखे जाना है स्टार्ट में, ठीक है ना। फिर उसके आगे टोटल प्रोडक्ट्स, फिर क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स, ऐसे आप तीन कॉलम बनाइएगा। और आपने ये एक अपनी सेपरेट शीट के ऊपर ये काम करने के बाद जो 50 प्रोडक्ट है ना, 50 नहीं होंगी, 20 कर ले। नहीं बच्चे करेंगे तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, क्लास आप मुझे बताएं 50 प्रोडक्ट से ज्यादा है सर, इनसे एफबीए नहीं निकल रहे तो ये 50 कर ले। ठीक है ठीक है, काफी है। हाँ जी करें, आप काम करें ये तो इंशाल्लाह आपको करना आएगा। एक मिनट सर, ये ज्यादा हो जाएगी, मैं आपका कह रहे हैं जो ज्यादा करे वो उसको उतने ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, उसका BSR उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपने 50 मैं कह रहा हूँ, जो ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर ले, और जिससे कोई हमारी ऐसी जो बहने हैं कि जो बच्चों वाली हैं वो ना कर सके थोड़ा कर सके तो वो कम भी कर सकती है, नो इशू, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम आप 50 कर लें, ठीक है। और ये तीन कॉलम बना लें, ब्रांड के, टोटल प्रोडक्ट के, क्राइटेरिया प्रोडक्ट के। जब आप ये काम कर लें, करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है फर्स्ट पे, ये देखें एसएन वाले कॉलम पे, यहाँ पे एक बार क्लिक किया, कंट्रोल ए करना है आपने। जब आपने कंट्रोल ए करना है ना, तो जब आपने ये सारा काम आपने करने के बाद करना है, क्या आपने अपना सारा काम कर लिया शीट के ऊपर, तो आपने कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये सारी शीट जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल सी, जब आपने कंट्रोल सी किया तो ये सारी शीट सिलेक्ट हो गई, कॉपी हो गई ये सारी शीट ना, ये सारी शीट सिलेक्ट हो गए तो कॉपी हो गई। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने अपनी असाइनमेंट वाली शीट पे आ जाना है। आपने अपनी असाइनमेंट वाली शीट पे आके, फॉर एग्जाम्पल आपकी असाइनमेंट की शीट है, चले हम शाजम की एक शीट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। मसलन ये शाजम की शीट है, शाजम की शीट को, शाजम अपने शीट पे आए, आके उन्होंने यहाँ पे ये देखें, जहाँ मेरा एरो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इस शीट को रीनेम किया, रीनेम क्या किया, A3, जस्ट इसको A3 कर दिया, A3, ठीक है बाय। अच्छा अब आपने अपनी असाइनमेंट यहाँ बनाई हुई है, A1 A2 यहाँ बनाई हुई है, उसके नीचे जगह खाली होएगी, मतलब यहाँ से जगह खाली है, उनको ऊपर रहने दे बनी हुई, जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे ये ब्लू वाला डब्बा लेके आए, ये वाला बॉक्स, और कंट्रोल वी कर देना है। जब आपने कंट्रोल वी किया तो वो जो आपने सारा वर्क किया हुआ है ना वहाँ पे, वो यहाँ आ जाएगा। ये काम करने के बाद आपने शीटों को फिर दूसरी शीटों को नहीं वॉच करना, उनको नहीं देखना, उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने, नहीं तो ये फिर काम आपका यहाँ पे खराब होना शुरू हो जाएगा। आपने जस्ट इसको यहाँ पे सबमिट करके दैट्स ऑल, आपका काम खत्म। अब ये A3 बाय शाजम यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे शाजम की ऊपर A1 भी होएगी, A2 भी होएगी, ठीक है ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ऐसे करनी है, अंडरस्टैंड। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, किसी को किसी चीज की नहीं समझ लगी तो वो क्वेश्चन कर लें, पूछ लें। अपना माइक अपने पास करके ना थोड़ा लाउड बोलो,
कोई नहीं, आप होम एंड किचन कर सकते हैं, आप ग्रुप में सेंड कर देंगे आपको कैटेगरीज ना, रिकमेंडेड कैटेगरीज ग्रुप में सेंड कर देंगे। एक कैटेगरीज भी आप कर सकते हैं, दो तीन चार पांच इकट्ठे भी कर सकते हैं आप कैटेगरी सेलेक्ट, हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे कि रिकमेंडेड कैटेगरीज, उन कैटेगरीज में से आप छह छह सात सात कैटेगरीज इकट्ठे भी कर सकते हैं सेलेक्ट, वो कोई इशू नहीं है। मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको काम करना आना चाहिए। आप अपने हाथ से जो मैंने पढ़ाया है ना, वो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथ से अच्छी तरह से करें, ठीक है? अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इतनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है ना, वो आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जो है नहीं मिलेगी। आप जो फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको हल्फन कहती हूँ कि आप फैसलाबाद के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, इतनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कि आप ये कल की असाइनमेंट जब कर लेंगे ना, तो आप तीन क्लासें होंगी आपकी, और आप ये बहुत बड़ा काम है जो कर चुके होंगे, ठीक है? और आप हाँ जी, और बहुत वीए ऐसे हैं जो हाई लेवल के कोर्स कर चुके हैं और उनको नहीं आता ये क्राइटेरिया प्रोडक्ट, यकीन करें कि ना आपके क्लाइंट्स को निकालनी आती है, ना वीएस को निकालनी आती है, ठीक है? तो ये एक लेवल का काम है जो आप लोग कर रहे हैं, बल्कि जिन स्टूडेंट्स ने सीखा हुआ है पहले हाई लेवल का, उन्हें भी पता होगा कि ये चीजें उन्होंने भी वहां से नहीं सीखी, ठीक है? तो इसको आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना, ये एक अच्छा काम है जो आपको हम बता रहे हैं, करवा रहे हैं और सिखा रहे हैं, कहीं से आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये ना हो कि आप इस चक्कर में कि हम ज्यादा करें और आप गलत करते जाएं, ठीक है? बेहतर है कि जो सर ने जैसे कहा, जो घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जितने भी हैं, खुद को खपाना नहीं है, रिलैक्स होकर काम करना है। 10 सब कर लें, 10 सुबह कर लें, रिलैक्स होकर करें, 5-5 का टारगेट रख लें। हमारा मकसद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है? चाहे आप 15 ही किए हुए हो, आपका हमें रिजल्ट ठीक मिले, बजाय कि आपने 50 किए और आपकी सारी गलत हो, ठीक है? बेहतर है कम करें, अच्छी करें, ठीक करें, ये चेक होनी है। एक एक प्रोडक्ट आपकी हमने कल, आप ये कहेंगे ना कि इतनी सारी है तो सर कैसे खोल के चेक करेंगे, तो सर असाइनमेंट चेक करने में जितने मैं आपको बताऊं कि एम्बिशियस हैं, वो शायद लेक्चर में भी उतने नहीं होते। प्रीवियस बैच के हमारे साथ एक स्टूडेंट, उन्हें पता होगा कि मैं फेड अप हो जाती हूँ असाइनमेंट चेक से, सर कहते हैं 2 से 3 घंटे भी लगे बच्चे की मेहनत है, ये हमने ऐसे चेक करनी है, सर ने एक बच्चे का ब्रांड खोल के कल चेक करना है, मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने बिल्कुल कॉन्शियस होकर अपनी असाइनमेंट जो है वो करनी है, और इंशाल्लाह इसके बाद देखें आप, इसके बाद ही आप कह देंगे कि हमें अमेज़न का काम आ गया करना, जितना आप ये आपकी हैंड्स ऑन हो जानी है इसमें, ठीक है ना? तो कोई क्वेश्चन है तो करें, वरना क्लास लंबी होगी, इसको हम वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। जल्दी से बता दें, अनम्यूट होकर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। जी जी पूछे नेक्स्ट क्लास डे बिफोर टुमारो, परसों ही हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है? कल असाइनमेंट आप करेंगे सुकून से और परसों हमारी क्लास होगी। जी जी पूछे क्वेश्चन। सॉरी दोबारा पूछे, रिकमेंडेड कैटेगरी में क्या कह रहे हैं जी? जैसे हम रिकमेंडेड कैटेगरीज है, जैसे हम जो चाहते हैं कि रिकमेंडेड कैटेगरीज, अगर वो 50 से कम आए। नहीं 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 नहीं, अभी तो सर ने सिर्फ एक कैटेगरी की है ना कि होम एंड किचन, तो उसमें इतनी आ गई हैं। तो जब आपने कैटेगरी ज्यादा करने का मकसद भी ये है कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा आएंगे फिर, ठीक है ना? आपको 5 से 6 सर ने कैटेगरी मेन बता देनी है, तो उसमें कम हो ही नहीं सकता। जब एक में 50 से ज्यादा निकल आई है, तो 6-7 कैटेगरीज में कैसे कम निकल सकती है? हो ही नहीं सकता कि कम निकले। हाँ, अगर कम निकलेंगी तो इसका मतलब होगा कि आपने क्राइटेरिया कहीं गलत दिया हुआ है। क्राइटेरिया का एक भी डिजिट आपका ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो आपका वहीं से काम खराब हो जाएगा। बहुत आपने ना कीन होके जो है वो अपना क्राइटेरिया पुट करना है, रिकॉर्डिंग लेक्चर के साथ साथ क्राइटेरिया पुट करना है। यहाँ क्राइटेरिया की कोई सवाल समझ ना लगे कि सर यहाँ पे क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो बाकी जो है वो आपको रिकमेंडेड कैटेगरी अभी सेंड कर दी जाएंगी। जी कुछ और? जी मैम, ये मैंने पूछना था, जो फिल्टर में है वो सर ने जो किया है वही वाला करना है हमने? जी जी जी, आपने बिल्कुल वही फिल्टर लगाना है, ठीक है? वही क्राइटेरिया लगाना है, वही फिल्टर करना है। ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया, अगर आपका कल को क्लाइंट भी कोई क्राइटेरिया देगा ना, तो क्लाइंट ने आपको यही क्राइटेरिया दे रहा है, इससे ज्यादा क्राइटेरिया कोई भी चेंज करता ही नहीं है होलसेल का। ओके जी, फिर जब माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे 5 से 6 क्लासों के बाद, फिर हम आपका क्राइटेरिया खुद चेंज करवाएंगे कि अब आप चेंज करें, अब आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है? ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम हंटिंग कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, ये ना पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, हम लोग हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग के लिए हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है? ये हमारा हंटिंग का क्राइटेरिया, और सिर्फ यही क्राइटेरिया होता है हंटिंग में। चले, कोई और क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? मैम अब ये सिर्फ कैटेगरी चेंज करके हमने करना है ना?
नहीं बच्चे आपने कैटेगरी चेंज नहीं करनी, अभी सर ने एक कैटेगरी लगाई थी, आपने साथ कैटेगरी मोर देन वन कर लेनी है, ठीक है। एक साथ ही आपने कैटेगरी जो है उसकी सिलेक्शन में आप क्लिक करते जाएंगे तो वो सिलेक्ट होती जाएंगी। ये नहीं कि आपने होम एंड किचन की अलग कर ली, शीट बना ली, किचन एंड डाइनिंग की अलग बना ली और आपने पेट सप्लायर की अलग बना ली। ये देखिए सर आपको दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं, आपने एक ही बार में सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर कंबाइन शीट आ जाएगी आपकी। ठीक हो गया, वो आपकी वो लेक्चर 2.2 में है ना, वो जो कैटेगरीज लिखी हुई है उनमें से ले लेना फिर। क्लास स्टूडेंट आप समझ लें, अप्लायंसेस को आपने छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम आपको डिस्टर्ब करेंगी, बहुत तंग करेंगी, ठीक है। इसमें इश्यूज बहुत आएंगे तो हम इस कैटेगरीज को लीव करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्विंग, इसको आप सिलेक्ट करें। ऑटोमोटिव को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बेबी प्रोडक्ट्स को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसको कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। कर क्यों सकते हैं? कि इसमें सेल्स अच्छी आती हैं। छोड़ क्यों सकते हैं? इसमें रिटर्न्स के भी बड़े इशू आते हैं, इसमें वेरिएशंस बहुत होते हैं, इसमें कलर्स बहुत हैं, लिपस्टिक्स हैं, फिर दूसरी ऐसी आइटमें हैं उसमें, फिर काफ़ी सारे जो है उसके फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं, तो उसमें फिर रिटर्न्स के भी काफ़ी इश्यूज हैं। तो लेकिन इसको किया भी जा सकता है, ऐसी भी इसमें नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ऐसी हैं कि जो बहुत अच्छी सेल्स वाली हैं और उसको किया जा सकता है, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बुक्स को आप रहने दें, ठीक है। कैमरा एंड फोटोज, कैमरा एंड फोटोज, इसको भी आप लीव करें। सीडीज को भी लीव करें। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को भी लीव करें। कंप्यूटर एक्सेसरीज को भी आप लीव करें। क्लोथ में बहुत ज्यादा जो है वो वेरिएशन है, ठीक है। ये आपको जो है मैंने कैटेगरीज लगाई हुई हैं। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इसको भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक को भी कर सकते हैं। किचन एंड डाइनिंग को भी कर लें। मूवी एंड टीवी को छोड़ें, इसको भी रहने दें। ऑफिस प्रोडक्ट को कर लें, इसको भी कर लें। लॉन गार्डन पेट्रियो को, अच्छा पेट सप्लाईज को भी करें, इसको भी, ठीक है। ये आपके ना रिकमेंडेड कैटेगरीज है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा 1, 2, 3 और ये देखिए, ठीक है। ये वाले भी, चलो ये आपको सेंड कर, ठीक है ना। ले क्लास, अब हम वाइंड अप करते हैं। इन कैटेगरीज को आप चाहे तो सारों को, ये जो मैंने की हैं सिलेक्ट, इनको आप रिकमेंडेड हैं, इनको आप सिलेक्ट करें। ये 6, 7, 8, 9 जितने भी बनती हैं करके तो आप अपना क्राइटेरिया देके प्रोडक्ट्स निकालें और उसकी CSV डाउनलोड करके तो उसके ऊपर काम करें आप, ठीक है। ओके, हो गया क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन अब यहाँ पे नहीं है तो फिर हम इसे वाइंड अप करें और क्लास का एंड करते हैं। अगर किसी दिन भी आप लोग स्कूल से अपनी असाइनमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।